लोगों का कमेंट आता है कि हमने सब कुछ चेंज कर दिया बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपने कुछ चेक नहीं किया है, आपको चेक करना आता ही नहीं है, आपको ये चेक करना है। आर्यंत्रा कंपनी का चैनसो मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। दोस्तों यह लकड़ी काटने वाला चैनसो मशीन 58cc का है। कस्टमर ने जैसा कि मेरे को बताया यह चैनसो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले, रिपेयरिंग करने से पहले आप चेक कर लीजिए, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ होना चाहिए। देख लीजिए फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। आप भी अपने मशीन का चेक कर लीजिए, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ होना चाहिए। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिए, स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच को इस तरह से ऑन कर लीजिए, स्विच ऑन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए फिर चेक करते हैं स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या खराब है, क्या डैमेज है, एक एक करके हम सभी स्पेयर पार्ट्स को चेक करेंगे। स्टार्ट ना होने पर हम चॉक लीवर का इस्तेमाल करेंगे, चॉक लीवर को हम बाहर खींचेंगे, अभी मशीन चॉक में है। देखिए अगर चैनसो मशीन में करंट नहीं आएगा, स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या खराब है क्या डैमेज है। एक बार फिर से हम चॉक लीवर को बाहर खींचेंगे। यह चैनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्टिंग का मोमेंट नहीं बना रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर आप चेक कीजिए, एयर फिल्टर देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। यह एयर फिल्टर एयर से साफ होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों एयर फिल्टर बिल्कुल क्लीन है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। एयर फिल्टर से भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, चेक कर लीजिए। एयर फिल्टर ब्लॉक रहेगा, जाम रहेगा, बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ रहेगा तब भी मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है। स्पार्क प्लग प्लग कैप्स आपको निकालना है। स्पार्क प्लग प्लग कैप्स जब भी आप निकालेंगे आपको चेक करना है, स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए वायर में, चेक कर लीजिएगा। स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। स्पार्क प्लग में प्लग कैप को आप जब भी लगाएंगे इस तरह से लगाइए और लगाकर चेक कीजिए। स्पार्क प्लग का जो कैप है वो टाइट होना चाहिए। स्पार्क प्लग का कैप लूज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। अब मैं स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालूंगा और चेक करूंगा करंट। स्पार्क प्लग खोलने के लिए आपको चाहिए प्लग रेंज। प्लग रेंज की मदद से आप स्पार्क प्लग को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। जब भी आप एक न्यू चैनसो मशीन खरीदते हैं आपको साथ में मिलता है प्लग रेंज। प्लग रेंज की मदद से आप स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालिए और चेक कीजिए स्पार्क प्लग। ये है दोस्तों स्पार्क प्लग, देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कंपनी दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टॉर्च कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो यह कार्बन को आपको क्लीन करना है, कार्बन को साफ करना है। आप अपने मशीन का स्पार्क प्लग का कार्बन चेक कर लीजिए, कार्बन है तो कार्बन को क्लीन कीजिए। देखिए स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ रहेगा, डस्ट लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, करंट सप्लाई कम देगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्पार्क प्लग को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। स्पार्क प्लग बिल्कुल साफ होना चाहिए। यह है चॉक लीवर। चॉक लीवर और टॉप कवर को मैंने बाहर निकाल दिया है। आप ये सब निकाल दे दोस्तों, जब भी आप करंट चेक करें आप ये सब निकाल दे, निकाल कर आराम से करंट को चेक करें। और पिस्टन के अंदर देख सकते हैं कार्बन लग रहा है देखने में, ये देखिए पिस्टन में कार्बन लगा हुआ दिख रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए टू स्ट्रोक मशीन में पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स नहीं करेंगे तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा, रिंग पिस्टन और सिलेंडर। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए प्लग को प्लग कैप में लगाइए और देखिए टाइट होना चाहिए। स्टार्टर खींचकर आप करंट चेक कीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको स्पार्क प्लग को क्लीन करना है, साफ करना है। स्पार्क प्लग में डस्ट लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, तो आप स्पार्क प्लग को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। देखिए मैंने स्पार्क प्लग को साफ कर लिया है, आप भी कर लीजिए। सिलेंडर के अंदर इस तरह से हम पेट्रोल डालेंगे, थोड़ा पेट्रोल डालेंगे दोस्तों, पिस्टन में थोड़ा पेट्रोल डालकर हम प्लग स्पार्क प्लग को फुल टाइट करेंगे और मशीन स्टार्ट करके देखेंगे स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कार्बोरेटर से प्रॉब्लम है या रिंग पिस्टन से प्रॉब्लम है भी पता चल जाएगा। मैं मशीन को चौक में स्टार्ट कर रहा था, अभी मैं इसे अंदर करूंगा। देखिए अभी मशीन चौक में नहीं है। क्या लगता है आपको, पेट्रोल डालने के बाद मशीन स्टार्ट होगा? Thank you.
इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों? मैंने पेट्रोल डाला रिंग पिस्टन में, मशीन स्टार्ट नहीं हुआ, इससे आपको क्या पता चलता है कार्बोरेटर बिल्कुल सही है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पेट्रोल सप्लाई नहीं देता कार्बोरेटर, अगर फ्यूल सप्लाई नहीं दे रहा है कार्बोरेटर, तो मैंने तो पेट्रोल ऊपर से डाला था रिंग पिस्टन सिलेंडर में, पेट्रोल ऊपर से डाला था मैंने, बट मशीन एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही स्टार्टिंग का मोमेंट बनाया, इससे क्या पता चलता है कि कार्बोरेटर बिल्कुल सही है? अगर कार्बोरेटर में प्रॉब्लम रहता तो मैंने जो ऊपर से पेट्रोल डाला था रिंग पिस्टन सिलेंडर में, तो मशीन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, स्टार्ट नहीं हुआ, कार्बोरेटर बिल्कुल सही है दोस्तों। यह है साइलेंसर, साइलेंसर भी क्लीन है, देख सकते हैं, और गास्केट लगा हुआ है। आपका मशीन साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आपको चेक करना चाहिए गास्केट, गास्केट कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है तो चेंज कर दीजिए। और देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ रिंग पिस्टन सिलेंडर, देखिए रिंग पिस्टन पूरी तरह से डैमेज हो गया है दोस्तों, सीज कर गया है, देखिए स्क्रैच आ गया है ना, देखिए पिस्टन में देख रहे हैं लाइनिंग आ गया है ना, रिंग भी सीज कर गया है दोस्तों। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, मैं रिकॉइल स्टार्टर को खींच रहा हूँ, पिस्टन अप डाउन हो रहा है, देखिए इस तरह से रिंग पिस्टन और सिलेंडर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, सीज कर गया है रिंग, देखिए चिपक गया है, सीज करके चिपक गया है रिंग। देखिए ऐसा तभी होता है ना जब आप पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स नहीं करते हैं। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, यह टू स्ट्रोक इंजन है, यह चैनसो मशीन टू स्ट्रोक है, और टू स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लीटर पेट्रोल में आपको 40 ml टूटी ऑयल डालना है, और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। देखिए कई लोगों का कमेंट आता है कि हमने सब कुछ चेंज कर दिया बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपने कुछ चेक नहीं किया है, आपको चेक करने आता ही नहीं है, आपको ये चेक करना है। ये देखिए ये है ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट अच्छे से चेक करना है, फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है या नहीं है, आपको सब कुछ डिटेल में चेक करना है, एक एक करके सभी स्पेयर पार्ट्स को चेक कीजिए। देखिए फ्यूल पाइप मैंने खोल दिया है और फ्यूल पाइप से फ्यूल आ रहा है, ये देखिए जब मशीन चलेगा दोस्तों तो प्रेशर में आएगा पेट्रोल, पेट्रोल थोड़ा आ रहा है इसलिए मैंने बोल्ट लगा दिया है, एलेंकी बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है। देखिए जो लोग भी ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने मशीन में सब कुछ चेंज कर दिया फिर भी हमारा चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, दोस्तों या तो आपको चेक करने आता ही नहीं है या तो आपने चेक नहीं किया है। यह है फ्लैंज, फ्लैंज को भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, यह फ्लैंज बिल्कुल सही है, फ्लैंज आपको थोड़ा डैमेज लग रहा है, फटा हुआ लग रहा है तो आप इसे चेंज कर दीजिए, इसके वजह से भी मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है। आप चेक नहीं करते हैं दोस्तों, मेरे को मालूम है आप चेक नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अगर आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको सारा डिटेल में जानकारी मिलेगा। आप चेक ही नहीं करते हैं, आपको चेक करने आता ही नहीं है या आप चेक नहीं करते हैं, और आप बोलते हैं वीडियो में कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, कमेंट करते हैं कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया फिर भी हमारा चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा? स्पेयर पार्ट्स अगर सही रहेगा तो क्यों नहीं स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट होगा, 100% स्टार्ट होगा। सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें 4 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है, और कोई एलेंकी बोल्ट अगर नहीं खुल रहा है तो आपको देखिए किस तरह से खोलना है। एक रॉड लेकर हैमर ले लीजिए, हैमर और रॉड लेकर आप बोल्ट को ठोकिए, बोल्ट लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उसके बाद आप एलेंकी डालकर एलेंकी बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, एलेंकी बोल्ट खुल जाएगा। आपको क्या लगता है एक मशीन 10 मिनट में 15 मिनट में बन जाता है? बहुत डिटेल में चेक करना पड़ता है दोस्तों, बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है, और एक एक करके सभी स्पेयर पार्ट्स को चेक करना पड़ता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है। एक मशीन को अच्छी तरह से रिपेयरिंग करने पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है दोस्तों, अच्छी तरह से सफाई करना पड़ता है, सभी स्पेयर पार्ट्स को वॉश करना पड़ता है, पेट्रोल से धोना पड़ता है, पेट्रोल से साफ करना पड़ता है। देखिए सिलेंडर भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है, सिलेंडर में भी स्क्रैच हो गया है, यह है मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, अगर ये मैनिफोल्ड फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज रहेगा या दबा हुआ भी रहेगा, ये डैमेज रहेगा दोस्तों, इस तरह से दबा हुआ रहेगा तो पेट्रोल सप्लाई कम देगा, और पेट्रोल कम सप्लाई देगा तो क्या होगा, आपका चैनसो मशीन स्टार्ट तो होगा बट आप जैसे ही एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे आपका मशीन अचानक से बंद हो जाएगा, लोड नहीं लेगा, पिकअप नहीं बनाएगा। चेक कर लीजिए मैनिफोल्ड अच्छी तरह से चेक कीजिए। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए हमें पिस्टन का लॉक निकालना पड़ता है, दोनों साइड से पिस्टन का पहले लॉक निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पिस्टन पिन बाहर निकालना है, इस तरह का प्लास ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही आराम से लॉक को निकाल पाएंगे आप। देखिए इस तरह का प्लास लेकर आप लॉक को आसानी से निकाल दीजिए, देखिए लॉक निकल चुका है, दूसरे साइड का भी लॉक हम इसी तरह से निकालेंगे। पिस्टन में दोनों साइड से 2 लॉक लगा हुआ रहता है, दोनों लॉक को हम इस तरह से बाहर निकालेंगे, उसके बाद पिस्टन पिन को ठोककर बाहर निकालेंगे, पिस्टन बाहर आ जाएगा। पिस्टन पिन को इस तरह से एलेंकी लेकर या कोई रॉड लेकर आप एक हैमर ले लीजिए, छोटा सा हैमर लेकर आप ठोकेंगे तो पिस्टन पिन बाहर आ जाएगा, तो पिस्टन भी बाहर आ जाएगा आपका। देखिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है कि मैंने रिंग पिस्टन और सिलेंडर नया लगाया है बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, रिंग पिस्टन सिलेंडर ख़राब था, मैंने
नया लगाया है, चेंज किया है, न्यू डाला है, बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या आपने क्रैंकशाफ्ट चेक किया? क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक बैरिंग आपने चेक किया नहीं किया? देखिए यही तो गड़बड़ है ना, आपको चेक करना पड़ता है। आप चेक कीजिए, ये देखिए लेफ्ट राइट तो इस तरह से रहेगा दोस्तों, लेफ्ट राइट इस तरह से क्रैंकशाफ्ट रहता है, लेकिन अप डाउन नहीं होना चाहिए। ऊपर से अप डाउन अगर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, रिंग पिस्टन बार बार ख़राब होगा, डैमेज होगा दोस्तों। इस तरह से अप डाउन करके आप देख लीजिए क्रैंकशाफ्ट, अगर इस तरह से अप डाउन हो रहा है या प्ले लग रहा है आपको, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका क्रैंकशाफ्ट ख़राब है, आपको क्रैंकशाफ्ट चेंज करना होगा। ये देखिए बैरिंग भी लगा हुआ है, दोनों साइड से बैरिंग लगा हुआ है दोस्तों। एक बैरिंग मैंने आपको भी दिखाया, दूसरा बैरिंग देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, सेकंड बैरिंग यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। ये क्रैंक कैस का बैरिंग सभी आपको चेक करना पड़ता है। देखिए ये सब अगर ख़राब रहेगा ना, तो आप कितना भी रिंग पिस्टन और सिलेंडर लगा लें, सक्सेस नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट हो गया ना, तब भी नहीं चलेगा, पिकअप नहीं बनाएगा। अच्छी तरह से चेक कीजिए और गास्केट को क्लीन कर लीजिए, सिलेंडर गास्केट को क्लीन कीजिए और एक नया गास्केट आपको लगाना है। गास्केट बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर गास्केट फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो कंप्रेसर लीकेज करेगा। कंप्रेसर लीकेज करेगा तो क्या होगा, आपका मशीन स्टार्ट होगा बट एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे पिकअप नहीं बनाएगा, रेस नहीं होगा, मशीन आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं इस मशीन में बहुत ही हाई क्वालिटी का रिंग पिस्टन और सिलेंडर फिट करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं UDS गोल्ड का यह सिलेंडर पिस्टन है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये लगाने के बाद मशीन गर्म नहीं होता है। और अगर ये रिंग पिस्टन सिलेंडर लगाने के बाद भी आपका मशीन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आपको बाकी का स्पेयर पार्ट्स चेक करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका मशीन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपको एक एक करके स्पेयर पार्ट्स को चेक करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको चेक करना है। आपको सबसे पहले गाइड बार चेक करना है, गाइड बार को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। गाइड बार का आगे में बैरिंग लगा हुआ रहता है, गाइड बार का बैरिंग अगर डैमेज रहेगा तो चैन को रफ्तार में घूमने नहीं देगा, चैन सही से नहीं घूमेगा, चैन रनिंग नहीं कर पाएगा गाइड बार में, चैन फंसने लगेगा, और अगर चैन फंसेगा तो क्या होगा, लकड़ी नहीं काटेगा, लकड़ी पर सटाते ही चैन रुक जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गाइड बार घिसा हुआ रहता है या गाइड बार का बैरिंग खराब रहता है, लकड़ी काटने पर क्या होता है, लकड़ी तिरछा काटता है, लकड़ी सीधा नहीं काट पाता है, लकड़ी तिरछा काटता है। आपको यह दोनों पार्ट को चेक करना है, चैन भी चेक करना है आपको, चैन भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। चैन सो मशीन का चैन भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, अगर चैन आपको घिसा हुआ लग रहा है, डैमेज लग रहा है, तो उसे सही कीजिए, चैन को धार कीजिए। हर मशीन के साथ में मिलता है शार्पनर, चैन धार करने के लिए शार्पनर मिलता है, आप शार्पनर से चैन को धार कीजिए, चैन को क्लीन कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, आप क्या करते हैं ना, चेक नहीं करते हैं, चैन में ऑयल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैन में ऑयल नहीं आएगा, चैन लुब्रिकेट नहीं रहेगा, तो आपका मशीन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये जो ऑयल है ना दोस्तों, यही ऑयल डलाता है चैन में। चैन के लिए आपको डालना है 20W40 ऑयल, जो आप बाइक में मोबिल डालते हैं ना, जो आप बाइक में मोबिल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वही ऑयल आपको डालना है चैन में। चैन में अगर ऑयल नहीं आएगा तो चैन भी आपका ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा, और गाइड बार भी ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा, डैमेज हो जाएगा। चेक करना है आपको, 250 ml आपको चैन ऑयल डालना है। आपके पास किसी भी कंपनी का चैन सो मशीन है, 250 ml आपको डालना है चैन के लिए ऑयल। और आप जब भी मशीन को चलाएँ, लकड़ी काटने से पहले आपको चेक करना है, टैंक में ऑयल होना चाहिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, टैंक में ऑयल होना चाहिए। 250 ml आपको ऑयल डालना है, एक घंटा चलाने के बाद आपको चेक करना है ऑयल ख़त्म तो नहीं हो गया, अगर ऑयल ख़त्म हो रहा है तो आपको दोबारा से ऑयल डालना है। दोस्तों हमारे किसान मशीन YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे आप ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूँ, हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आस पास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आस पास ना,
किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। देखिए यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आगे भी आप और बहुत सारा वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपने हमारा वीडियो देखकर चेक किया, आपको कोई भी स्पेयर पार्ट्स लग रहा है डैमेज है तो आप मुझे उसका फ़ोटो खींच कर, स्पेयर पार्ट्स का फ़ोटो खींच कर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपके घर पर भेजूँगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल करें और ऑर्डर करें। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आगे यह वीडियो को आप कहीं भी स्किप ना करें, यह वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यह वीडियो में आपको बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर दूंगा। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं व्हाट्सअप पर रिप्लाई आपको नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
नहीं चलेगा, बहुत महंगा नहीं चलेगा। आई सर, अगर इस समय तो बारह फोन आता है तो दिक्कत नहीं है। अब बाहर जाने के बाद Thank you.